जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की लेटेस्ट न्यूज कि मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बदस्तूर मुतासर है। आए, 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 मजे, आए। पाकिस्तान में आजकल आपको बता दें कि इंटरनेट जो है वो ऑलरेडी कछुए की रफ्तार से चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक इशू काफी ज्यादा बढ़ रहा है, वो है इंटरनेट का इशू। लोग इंटरनेट मुतासर होने से मईशत को धचका लग रहा है, क्लाइंट्स को मुतमईन करना मुश्किल हो चुका है। इस वक्त मुल्क के अंदर इंटरनेट तकरीबन ना होने के बराबर है। हाँ भाई हाँ। यकीन करें, हम कोई भी चीज सेंड करते हैं ना कारोबारी, जैसे किसी ने पार्सल कहा है कि ये पार्सल हमें टाइम से देना है, हम उसको मैसेज करते हैं 2 से 4 से 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। आपका मुल्क जो है वो स्टोन एज में पहुंच चुका हुआ है। आए, हाए, हाए, हाए। मैं ये कहता हूँ कि ये मुसलमानों का काम नहीं कि नेट जो है यूज करें। चांद के नजारे चख रही है, हम सुपरस्टिशन पर बिलीव कर रहे हैं। जी ना, हम ना अपने वजीर आजम का नाम चांद ना रख लें। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जमहूरी मुल्क पाकिस्तान की लेटेस्ट न्यूज ये है कि वहाँ पर इंटरनेट बंद कर दिया गया है और उन्होंने अपने सोतेले अब्बू चाइना जो है उससे फायरवॉल खरीदा है। ऑलरेडी पाकिस्तान की मईशत इतनी गिरी पड़ी है, उसमें इंटरनेट को बंद करना, सोशल मीडिया का गला दुबाना, फायरवॉल को इस्तेमाल करना इकोनॉमी को मजीद कितना नीचे ले आ सकता है। आजकल जो दौर है वो है मीडिया का, सोशल मीडिया का, तो अगर आप उसको ही जो है वो डल कर देंगे तो जो जिसकी जो आवाज है, जो आवाज को कन्वे करने का तरीका है वो आप खत्म कर रहे हैं, दबा रहे हैं। जहाँ पे नेट नहीं लगा वो कहते हैं हम सुकून में हैं, और जिनके पास लगा वो भी तुम वापस ले लो, मरे समझो सारे। बड़ा ही परेशानी भी हो जाती है और अफसोस भी होता है कि हम क्यों बैकवर्ड्स क्यों जा रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है हम पीछे जा रहे हैं। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। नेट पर सच बताते हैं लोग, सोशल मीडिया पर सच बताते हैं, वो ये कहते हैं ना बताएं, हमारा राज ना खोलें, इसलिए उसको बंद कर रहे हैं। सही बात है। चंद लोगों की जिद की वजह से आज ये मुल्क पत्थर के इलाके में वापस जा रहा है, पत्थर के दौर में वापस जा रहा है। दुनिया में 5G लॉन्च हो गई है, 6G आ रही है, पाकिस्तान के अंदर नेट ही नहीं आ रहा है ना, अजीब सा सूल। फाइवर जैसी बड़ी कंपनी ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए, पाकिस्तान को फाइवर ने डीलिस्ट कर दिया। ये औकात है इस वक्त हमारी दोस्तों। कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे अगर नेट ना आया तो मैं एक हफ्ता खाना नहीं खाऊंगा। तो रहन दो फिर। 40% जो है वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, वो लोग जो ऑनलाइन अर्निंग का काम कर रहे थे, लेकिन फायरवॉल खरीदा है। इससे ये करेंगे कि जो इनकी जितनी भी पब्लिक है उसके जो सारे मैसेज है वो पहले इनकी गवर्नमेंट यानी आर्मी वो ही चेक करेगी और फिर इनके पास भेजेगी और देखेगी कौन जमहूरी मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है, उसको ब्लॉक कर देगी और उसको पकड़ कर सजा देगी। सीधी सीधे कह लूं मैं पाकिस्तानी आवाम के लग गए। तो इसी बात पर उठाते हैं आनंद पाकिस्तानियों के। मैं ये कहता हूँ कि ये मुसलमानों का काम नहीं कि नेट जो है यूज करें। अरे यार अपनी माँ, क्योंकि इन लोगों ने के नेट की वजह से माहौल खराब किया है। कैसे? क्योंकि ये बाहर की जो मूवी है जो भी है तरीकेकार इनका, हर घर में नेट जो है लगा है ना, ये बुरी बात है। अच्छा, इंसान को नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, ठीक है, अल्लाह को याद करना चाहिए, ठीक है, समझ गया, मुसलमानों से प्यार करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। भाई तुम सबके सब भाई। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई है, लेटेस्ट दौर आ गया है। इसी तरह से अगर हम इंटरनेट की बात करें तो पूरी दुनिया इंटरनेट के फायदे देख रही है, वाहिद पाकिस्तानी कौम है जो गंद घोलती है इंटरनेट पर। हाँ भाई हाँ। के जो नेट देखता है ना, 7 साल की बच्ची हो या बच्चा हो, पहले नंबर की उसकी नजर जाती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? नेट जो है ना ये वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? था क्योंकि मैं तो यूज नहीं करता, मेरे भाई वगैरह करते हैं, ठीक है, उनका कारोबार है जो भी है, बाकी मुझे नफरत है नेट से। मगर क्यों? के यंग बच्चियां खराब हो रही हैं। अच्छा, ठीक है जी, नेट की वजह से। मैं वजह से नहीं, अपनी वजह से। देखे बार के देखे, पता क्या है के एक इंसान नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ के नेट की तरफ चला जाता है कि यार मैं नेट देख लूं इसमें क्या आया है। आपको नेट के इतने फायदे हैं कि आप आज यहाँ बैठकर बाहर की कंट्री में अगर आपका कोई रिश्तेदार वहाँ मौजूद है उससे वीडियो कॉल कर सकते हो, उससे कॉल पे बात कर सकते हो, आप अपना मैसेज उस तक डिलीवर कर सकते हो। देखिए गलती तो हमारे अंदर है, आप नेट पर डाल रहे हैं। देखिए बेटा, पता क्या बात है कि जो इंसान देखे आज 13 साल की बच्ची है, उसके पास लाख रुपए का सेट है, कैसे आया है, कहाँ से आया है? वो बैंक में जॉब करती है, क्या करती है वो? साहिब इस्तेताओत होते हैं, कुछ लोग घर से बहुत अच्छे होते हैं, उनके माँ बाप लेकर देते हैं। मेरे घर के सामने एक कनाल का घर है, ठीक है, उनके पास उनकी छत के ऊपर 4-5 डिशें लगी हैं,
उनको ये खाना नहीं खाते, बाकी डिशें देखते हैं वो। ठीक है जी, तो ये तो उनकी गलती है ना, वो पागल हुए हुए हैं। ये नेट ने खराब किया है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि हम कहाँ जा रहे हैं, पहली तो बात है। उसके बाद मैं अपने वजीर आजम वजीर आला से दरख्वास्त करता हूँ, आप ये भी जानते हैं कि हर इंसान का नेट पे ही कारोबार है, अब इतना काम फास्ट हो चुका है, तो आपको पता है कि मीडिया का सारा काम फास्ट उसमें नेट पे है, कारोबारी बंदे ताजर हैं उनका भी काम नेट पे है, हर चीज़ है नेट, हम नेट नहीं यूज़ कर सकते। ये जो आपने ब्लॉक सिस्टम किया है ये पहले करते जब हम तकरीबन 10 साल 15 साल के थे, अब आपने कुछ सोचा नहीं, अब आपने ब्लॉक कर दिया। यकीन करें हम कोई भी चीज़ सेंड करते हैं ना कारोबारी, जैसे किसी ने पार्सल कहा है कि ये पार्सल हमें टाइम से देना है, हम उसको मैसेज करते हैं 2 से 4 से 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, वो मैसेज घूमता रहता है, हम क्या करें। इनको चाहिए कि हमें नेट की अच्छी सहूलत दें, जिसमें हम नेट चलाएं तो अच्छी उसमें कवरेज करें जो टाइम से चले। और दूसरी बात है कि आप जानते हैं कि आवाम अब करोड़ों के हिसाब से है, तो अब आप नेट बंद कर देंगे, आस्ता आस्ता क्या बंद कर देंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे अगर नेट ना आया तो मैं एक हफ्ता खाना नहीं खाऊंगा, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे भी लोग हैं। इंटरनेट ने बहुत ज्यादा चीजें डिले की हुई है। इंटरनेट देखो अब मैडम हम क्या कर सकते, पहली बात है इधर तो अवाम और हुक्मरान एक ही है, अवाम भी अपनी मर्जी से चाह रही है, हुक्मरान भी अपनी मर्जी से चाह रहे हैं, इनको कहने वाला कोई नहीं। मुझे बताएं आपकी नजर में कहने वाला कोई है? नहीं। एक बर्गर बेचने वाला वो भी अब नेट पे चल रहा है, हर चीज नेट पे डाल दी हुई है, तो हम क्या करें। हमने कौन सा रात को फिल्में देखनी होती है, हमें ये हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, हम बहुत परेशान है। क्या कहते हो, दुनिया चांद के नज़ारे चख रही है, हम सुपरस्टिशंस पर बिलीव कर रहे हैं। बस मैडम हम क्या करें, हम तो बस पाकिस्तान में तरक्की कर रहे हैं। इससे बाई नहीं कर रहे। अच्छा। हमारा हर बंदा अब यहाँ पे जो चर्सी है वो सिगरेट पी लेता है और उसकी तरक्की हो गई। यस यू आर राइट। और इधर हमारा वो जो भी बंदा चांद पे लैंडिंग करता है सिगरेट भी, वो बेचारा सिगरेट पीता है, सारों को कह देता है चांद पे फिर रहा हूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है जी। हम ना अपने वजीर आजम का नाम चांद ना रख लें। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। हमारे वजीर आजम चांद है, चांद ऊपर है, क्योंकि ये भी बेहतरी है। तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ पे नेट नहीं लगा वो कहते हैं हम सुकून में हैं, और जिनके पास लगा वो भी तुम वापस ले लो, मरे समझो सारे। अच्छा। तो वो हिसाब है ना, अगर नेट होगा ना तो बच्चे भी रात को खुश होते हैं, पापा हमें मोबाइल दे दो हमने गेमें यूज करनी है। अगर नेट नहीं ना चलेगा तो वो बाप को भी बड़े गुस्से से देख रहे हैं, जैसे बाप ने गलती कर दी कोई। तो पूरा वीडियो आपने देख लिया, कैसे ये पाकिस्तानी बौखला उठे हैं, इनका पोल पट्टी खुलने वाली है, कौन कहाँ क्या अपनी एसटीसी करवा रहे हैं। तो आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यू गुड बाय।